सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आस्था शर्मा आर्ट्स। तो आज हम बनाने वाले हैं श्री राम जो मंदिर है उसकी पेंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने लिया है एक A4 पेपर, तो इस पर हम राम मंदिर को ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक रफ स्केच बना लेती हूँ। तो उसके लिए यूज़ करने वाली हूँ मैं ये पेंसिल कलर जो कि आए हैं, इतने से हैं ये पेंसिल कलर्स। तो इनको यूज़ करके मैं एक राम मंदिर बनाने वाली हूँ। तो चलिए हम इससे राम मंदिर। तो मैं धीरे धीरे इसकी डिटेलिंग्स कर रही हूँ क्योंकि इसमें डिटेलिंग्स ही बहुत ज़्यादा हैं गाइस। तो आप सो गाइस, रफ स्केच तो कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि रफ स्केच जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं ये बहुत हार्ड लगता है, पर ये हार्ड है नहीं एक्चुअली। डिटेल्स को ही आप बहुत ही ज़्यादा ऐसा समझो क्योंकि हार्ड है, पर बनाने में इतना हार्ड नहीं है जितना ये करने में। मतलब कलरों को ओपन कर लेती हूँ तो हम इनसे ये कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। सो गाइस, एक प्रॉब्लम हो गया है कि जब ये मैंने कलर अप्लाई किए तो ये ना एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो जो हम हनुमान जी बनाएंगे वो एकदम लुक नहीं देंगे। तो इसलिए मैं हनुमान जी में सिर्फ मैं ब्रश पेंस यूज़ करने वाली हूँ, और मैं मंदिर तो मैं इन्हीं कलर से बनाने वाली हूँ, लेकिन मैं जो हनुमान जी हैं मैं उनमें ब्रश पेंस यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं आपको एक बार ब्रश पेंस को दिखा देती हूँ। तो देखिए गाइस, रफ स्केच है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसमें कलर यूज़ करेंगे ये वाले, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अब हम इनसे ये पेंटिंग को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करते हैं। गाइस, ये रहे हमारे ब्रश पेंस। तो मैं हनुमान जी में ये ब्रश पेंस यूज़ करने वाली हूँ, तो चलिए यूज़ करते हैं। आपको बुरा ना लगा प्लीज़, आप बुरा मत मानना क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था कि हम ओनली इनसे बनाने वाले हैं, पर गाइस मुझे पता नहीं था कि ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं होंगे। तो मैं अब ब्रश पेंस यूज़ करने वाली हूँ। आई एम सॉरी, मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ। तो चलिए हम ब्रश पेंस यूज़ करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा रफ स्केच कंप्लीट हो चुका है और हमने कलरिंग स्टार्ट कर दी है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि हम कलरिंग कैसे करने हैं। तो हम ब्रश पेंस को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको ये ओपन करके भी दिखा देती हूँ। तो ये मैंने ओपन कर लिए हैं और ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं, देख लीजिए आप। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने ब्रश पेंस यूज़ किए हैं या फिर नहीं। सो गाइज, हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि कैसी बनी है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, चलिए देख लीजिए आप। सो गाइज, हमारा आर्ट वर्क कंप्लीट होने वाला है, तो बस थोड़ा सा ही रह गया है। तो चलिए इसे जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सो फाइनली गाइज, हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है और मैंने जैसा कि आपको दिखा दिया, और मैं आपको एक और बार फिर से दिखा देती हूँ, देख लीजिए। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ड्राइंग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय।